You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह, तो स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों हम लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे थे और कंट्रोल सिस्टम में अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा मॉडलिंग। मॉडलिंग में हम देखते हैं, देखिए आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैकेनिक्स तो पढ़ी होगी आप लोगों ने सेकंड सेम या फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक फ्री बॉडी डायग्राम होता है FVD, जिससे कोई भी मैकेनिकल जो डायग्राम है उस पे हम एक एक बॉडी का पर्टिकुलर डायग्राम बनाते हैं, एक एक मास का सेपरेट सेपरेट डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि उस पे हर एक मास पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं और इक्विवेलेंट फोर्स निकाल के उसके टोटल फोर्सेस की इक्वेशन हम बना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ मासेस बढ़ते जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं और वो क्वेश्चन नॉर्मली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए या इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के लिए सॉल्व करना टफ हो जाता है, क्योंकि मैकेनिकल वाले जो बच्चे होते हैं वो डिटेल में आगे भी उसको पढ़ते हैं, FVD को, फ्री बॉडी डायग्राम को। तो अब हमारे ऊपर बात आती है कि अगर उस टाइप के क्वेश्चन हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए दो सोल्यूशन निकले हैं, फोर्स वोल्टेज एनालॉगी और फोर्स करंट एनालॉगी। उनकी सहायता से हम वो कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिकल जो डायग्राम्स हैं उनके फोर्सेस की इक्वेशन हम अपने इलेक्ट्रिकल इक्वेशन की सहायता से सॉल्व कर लेते हैं, और वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट एनालॉगी समझते हैं क्या होते हैं। तो पहले हम मैकेनिकल डायग्राम देखते हैं एक, और उसमें कौन कौन से टाइप के फोर्स हैं जो हमें पढ़ना है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें कि एक स्प्रिंग है, एक तरफ से बंधी हुई है, इस स्प्रिंग पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स आगे की तरफ लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स, तो हम देखेंगे कि जैसे ही ये स्प्रिंग एक्सपेंड होगी तो वो स्प्रिंग जो है वो पीछे की तरफ इस साइड को एक फोर्स लगाएगी, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। किसकी अपोजिट डायरेक्शन में? एक्सटर्नल फोर्स की। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स से कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगी। मतलब एक चीज ध्यान रखना है कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहां पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन खोल दें तो यहां पे आएगा के इंटू एक्स, यहां पे के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, ध्यान रखना। कुछ किताबों में ये फोर्स नेगेटिव लिखा रहता है, नेगेटिव का मतलब है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन इधर है तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन इधर है। दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो ये कि दोनों फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा दो, फिर यहां माइनस साइन लिख दो, सही है, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन एक नेगेटिव है इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। दूसरी तरीका यह है कि आप इसकी डायरेक्शन ही अलग कर दो तो फिर आप माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला फोर्स हमने पढ़ा स्प्रिंग फोर्स, और दूसरा हमने पढ़ लिया एक्सटर्नल। इसमें कुछ अलग से पढ़ने वाली बात नहीं है, जो हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी या किसी एलिमेंट को, वो हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल फोर्स। दो फोर्स हमने समझ लिए, तो एक हो गया हमारा स्प्रिंग फोर्स और दूसरा हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन वो हो चुका है हमारा कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स। अब एक और फोर्स देखिए, हम एक्सटर्नल फोर्स को अलग से नहीं लिख रहे हैं, हमें जो तीन टाइप के फोर्स पढ़ना है हम वो लिखेंगे। एक्सटर्नल फोर्स का तो मतलब है एक्सटर्नली जो फोर्स अप्लाई करें किसी भी बॉडी या एलिमेंट पे। दूसरा जो फोर्स है वो है डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स का ये तो हुआ सिंबल, और इसमें ये जो लाइन है ये इस साइड भी बना सकते हैं, इस साइड भी बना सकते हैं, उसमें कोई विशेष वो नहीं है कि भैया ऐसे ही बनाना है, ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। अब आप समझो कि आप बाइक पे जा रहे हो तो आप जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ाओगे उतनी ज्यादा एयर का जो फोर्स है वो आपके ऊपर, हवा का फोर्स पड़ेगा और आपके बाल पीछे की साइड उड़ेंगे। यानी कि एयर के कारण जो एक फोर्स लगता है हमारे ऊपर वो, अब एक्सटर्नल फोर्स कौन सा हुआ? हमने बाइक की स्पीड बढ़ाई तो बाइक हमें आगे की तरफ ले गई, ये है एक्सटर्नल फोर्स, और एयर ने हमें अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दिया, वो जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स जो होगा वो डैम्पिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ दी बाइक, या जो भी हम एलिमेंट की बात करें कि जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है उतना ही ज्यादा एयर का फोर्स लगेगा। तो डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। स्पीड को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहां से जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन खोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज KD। कुछ किताबों में इसे FD ही लिखा रहता है, दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं इसे। तो ये डैम्पिंग कांस्टेंट हो गया। ध्यान रखना ये फोर्स भी, डैम्पिंग फोर्स भी किस तरफ लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। किसकी अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में ये भी लगेगा,
और ये भी लगेगा, दोनों ही फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, स्प्रिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स। तीसरे फोर्स की हम बात करते हैं, तीसरा फोर्स जो है वो है रिजल्टेंट फोर्स भी जिसे हम बोल देते हैं, फोर्स ऑन एनी मास, किसी भी मास पर जो फोर्स लगता है वो हमें पता है एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। एक्चुअली ये होता क्या है, ये किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स है ही नहीं। आप समझिएगा, जैसे कि मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, मेरे एक हाथ पे कोई 15 न्यूटन के फोर्स से मुझे राइट साइड में खींच रहा है, लेफ्ट साइड का हाथ पकड़े हुए दो व्यक्ति हैं, एक 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, एक 2 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, तो इधर 17 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो क्या मैं इधर 17 न्यूटन फोर्स के कारण मूव करूंगा? नहीं। क्या मैं इधर 15 न्यूटन के फोर्स के कारण इस साइड मूव करूंगा? इस साइड मूव तो करूंगा, लेकिन मुझ पर टोटल 15 न्यूटन नहीं लगेगा इधर। क्यों? क्योंकि जो 15 है वो पहले इधर के 7 को बैलेंस करेगा, बचेगा कितना? 8 न्यूटन, जिसके कारण मैं इधर मूव करूंगा। और जब मैं किसी भी फोर्स के कारण मूव करूंगा तो मेरा कुछ एक्सेलरेशन होगा और वही कहलाएगा, मेरा कुछ मास होगा और एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन से मैं मूव कर रहा हूं, उन दोनों का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दैट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स, कि दोनों का सब्ट्रैक्शन हुआ और रिजल्टेंट फोर्स जो आया वो है हमारा एम इंटू ए। तो ध्यान रखना, दिस एम इंटू ए इज रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी बॉडी। अब रिजल्टेंट किस किस का होगा? नॉर्मल सी बात है, किसी भी बॉडी पे। यहां पे आप जो क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें तीन टाइप के फोर्स लगेंगे। कौन कौन से टाइप के फोर्स लगेंगे? एक तो एक्सटर्नल फोर्स, जो हम जिस डायरेक्शन में भी लगाना चाहे उस डायरेक्शन में लग जाएगा। दूसरा स्प्रिंग फोर्स, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तीसरा डैम्पिंग फोर्स, वो भी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू दिस फोर्स, फोर्स ऑन एनी मास, मतलब रिजल्टेंट फोर्स, मतलब ये इफेक्टिव फोर्स है जिसके कारण कोई बॉडी मूव करेगी। तो अब देखिएगा कि टोटल किसी बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं। मान लेते हैं कि ये एक फिक्स्ड कोई प्लेस है जहां पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, और ये हालांकि डैम्पर कोई एलिमेंट नहीं होता है, वो तो एयर का फोर्स होता है, लेकिन हम यहाँ फिजिकली उसे बनाने के लिए, एज्यूम करने के लिए कि हाँ एयर का फोर्स है, मतलब कोई एलिमेंट है, तो इसको बना दिया, दैट इज डैम्पर। और एक मास लगा हुआ है, इस मास पे हमने एक्सटर्नल फोर्स एफ टी दिया जिसके कारण इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग कॉन्स्टेंट के डी। अब आप देखिएगा, अगर इस बॉडी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, क्योंकि सिंगल बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम तो बहुत आसान होता है, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है इधर की तरफ, दैट इज एफ टी, इधर की तरफ लगता है स्प्रिंग फोर्स, और इधर की तरफ लगता है डैम्पिंग फोर्स। तो अगर हम आपसे बोले कि इस पे टोटल फोर्स कौन कौन से लगे, तो आप बोलोगे एफ टी लगा उस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स, और लेफ्ट डायरेक्शन में डैम्पिंग फोर्स। तो इनका टोटल जो रिजल्टेंट होगा वही होगा फोर्स ऑन, रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी मास, इस मास पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ टी माइनस के एक्स माइनस के डी इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो यहां से अगर हम देखेंगे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के डी इंटू डी एक्स बाई डी टी, और प्लस हो जाएगा के एक्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकली है, जो हमने किससे निकाली? फ्री बॉडी डायग्राम की सहायता से। लेकिन हम देखेंगे जैसे जैसे ये मैकेनिकल डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो हम ये इक्वेशन डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, और हमारा मोटिव यही रहेगा कि कैसे हम किसी मैकेनिकल डायग्राम से मैकेनिकल इक्वेशन निकालें। तो अभी तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम से निकाल दी, लेकिन जैसे जैसे ये डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो हमारे लिए ये इक्वेशंस निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के लिए फिर आया फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट एनालॉगी। तो क्या होते हैं ये एनालॉगी, मतलब बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए कैसे हम ये सारी इक्वेशंस फिर से प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन आई है इसको हम कहीं पे लिख देते हैं, यहां पे एफ टी इज इक्वल टू एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के डी इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स। ये हमने एक इक्वेशन जो है वो किसकी लिख दी, मैकेनिकल डायग्राम की एक इक्वेशन लिख दी यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम।
अब हम आगे बात करते हैं सबसे पहली जो है फोर्स वोल्टेज एनालॉगी। फोर्स वोल्टेज एनालॉगी की हम बात करते हैं। फोर्स वोल्टेज एनालॉगी की अगर हमें बात करना है तो पहले हमें एक सीरीज आरएलसी लेना पड़ेगा और उसमें इक्वेशन इक्वेशन निकालना पड़ेगा। दिस इज रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। दिस इज एनी वोल्टेज वी टी, दिस इज आर एल सी, करेंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज, एज्यूम कर लेते हैं कि आई करेंट है। केवीएल अप्लाई करते हैं तो हम क्या देखेंगे, माइनस वी टी प्लस आई इन टू आर प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी, और प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो होता है वन अपॉन सी आई इन टू डी टी, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब आपको ये तो पता होगा कि करेंट इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो अगर I की जगह हम dQ by dt रख दें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वी टी प्लस आर इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस एल इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर और प्लस वन अपॉन सी इंटू क्यू, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनली अगर हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो फाइनल इक्वेशन को अब हम यहां लिख रहे हैं। क्या इक्वेशन आएगी, वो आएगी वी टी इज इक्वल टू एल इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर इंटू डी क्यू बाई डी टी और प्लस वन अपॉन सी इंटू क्यू। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन मिल गई। अब जरा आप दोनों इक्वेशन को अच्छे से देखिए, दोनों इक्वेशन को अगर आप अच्छे से कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे फोर्स इज इक्विवेलेंट टू वोल्टेज, इसीलिए इसे बोला जाता है फोर्स वोल्टेज एनालॉगी। मास इज इक्विवेलेंट टू इंडक्टर, डैम्पिंग कॉन्स्टेंट इज इक्विवेलेंट टू रजिस्टर और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटर, मतलब जहां स्प्रिंग लगी होगी वहां कैपेसिटर लगाना है, लेकिन जब इक्वेशन की बात करेंगे तो वन अपॉन सी की जगह के रखना है। ध्यान रखना, जब हम अब हम इसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे, ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम है। ये कौन सा डायग्राम है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। अगर इसी का मैकेनिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है तो बहुत आसान है, हमें पता है कि वोल्टेज की जगह हम क्या लगाएंगे, एक फोर्स लगाएंगे। रेजिस्टर की जगह, जहां रेजिस्टर लगा है वहां पे क्या लगाएंगे, एक डैम्पर लगाएंगे। डैम्पर लगाया कौन सा, केडी। इंडक्टर की जगह हम एक मास लगाएंगे और कैपेसिटर की जगह हम एक स्प्रिंग लगाएंगे। तो हमने क्या देखा कि यहां पे एक रिजल्टेंट मैकेनिकल इक्विवेलेंट बन गया। ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट। ये तो प्रोसेस कब हुई, जब हमने पहले निकाला मैकेनिकल इक्वेशन, देन हमने एक एज्यूम ही किया इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट और उसकी इक्वेशन निकाली और हमने देखा कि दोनों सेम आ रहे हैं, तो क्यों ना हम इस सर्किट को इस सर्किट में कन्वर्ट कर दें। लेकिन ये तो एजम्पशन था, हमने एज्यूम किया था। क्या हर मैकेनिकल सर्किट के लिए हम इलेक्ट्रिकल सर्किट अपने मन से एज्यूम करेंगे तो दोनों मैच कर जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या तरीका है, ये तो हमने कोइंसिडेंट से देखा कि हमने तीन एलिमेंट यहां लिए, दोनों की इक्वेशन निकाली, सेम हुई, मैच हो गई, तो हमने बोला कि इस सर्किट का मैकेनिकल इक्विवेलेंट ये है। अब अगर ये सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होगा तो क्या हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का भी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट सोच के बना देंगे, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो अब क्या होता है, अब लिखते हैं हम एक ट्रिक, और वो ट्रिक क्या है, आपको ट्रिक याद रखना है कि नंबर ऑफ मासेस इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स। पहली ट्रिक ये याद कर लीजिए, मतलब अगर आपके पास जैसे इसमें कितने मास थे, एक मास था, तो कितने लूप बने, एक। एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर हम देखते हैं कि किस टाइप से फोर्स वोल्टेज एनालॉगी के हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहां पे एक हमने क्वेश्चन लिया, सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की हम यहां बात करेंगे जिससे कि आपको कोई डाउट ही ना रहे। दिस इज K1, दिस इज M1, KD1, K2, दिस इज M2, KD2,
दिस इज एम थ्री और यहां पे कनेक्ट कर दिया हमने के डी थ्री, और इधर हमने एक फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स एफ टी, जिसके कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स वन, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स टू और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स थ्री। आपसे पूछा कि इस मैकेनिकल डायग्राम का मैकेनिकल इक्विवेलेंट बनाइए, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाइए, इलेक्ट्रिकल इक्वेशन बनाइए और मैकेनिकल इक्वेशन बनाइए। चार टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। और वो चार टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से हैं? मैकेनिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिकल इक्वेशन और मैकेनिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने ट्रिक बताई थी कि जितने लूप हों, सॉरी जितने नंबर ऑफ मासेस हों मैकेनिकल डायग्राम में, उतने लूप आप बना लीजिए। तो हम लूप बना देते हैं। हमने क्या किया, तीन लूप बना दिए। क्यों तीन लूप बनाए? क्योंकि नंबर ऑफ मासेस कितने हैं? तीन है। अब आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि जो मास हो, एक लूप सिर्फ पहला मास सिर्फ पहले लूप में कनेक्ट हो, दूसरा मास सिर्फ दूसरे लूप में कनेक्ट हो, तीसरा मास सिर्फ तीसरे लूप में कनेक्ट हो। हम कैसे पता करेंगे कि कोई एलिमेंट किसी लूप में कनेक्ट है? इसकी जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि आप अलोंग दी लूप मूव करो और वो एलिमेंट से आप पास हो रहे हो, मतलब उसको क्रॉस कर रहे हो, दैट मींस कि वो एलिमेंट उसमें कनेक्ट है। जैसे अगर हम कोई एलिमेंट यहां कनेक्ट कर दें तो हम इस लूप में जब घूमेंगे तो इस एलिमेंट को हम क्रॉस करेंगे, दैट मींस कि इस लूप में ये एलिमेंट कनेक्ट है, लेकिन इधर इधर घूमेंगे तो ये क्रॉस नहीं होगा। अगर इसी एलिमेंट को हमने यहां लगा दिया, अब देखो जब हम इस लूप में घूमेंगे तो हमें ये मिलेगा, मतलब इस लूप में ये कनेक्ट है, इसमें घूमेंगे तब भी ये मिलेगा, मतलब ये एलिमेंट इसमें भी कनेक्ट है और इसमें भी कनेक्ट है, लेकिन इसमें घूमेंगे तो नहीं मिलेगा, मतलब ये एलिमेंट सिर्फ किसमें कनेक्ट है? दूसरे और तीसरे में। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हर एक लूप में एक एक मास कनेक्ट करना है, और ध्यान रखना है कि वो मास सिर्फ उसी लूप में कनेक्ट हो, दूसरे में ना हो। तो अगर हम बात करें एम वन की, तो पहले लूप में कनेक्ट होगा, और पहले लूप में अगर हमें कनेक्ट करना है तो देखो इस वाली लाइन में हम कहीं भी कनेक्ट कर दें तो वो सिर्फ पहले लूप में आएगा, दूसरे तीसरे में नहीं आएगा। इधर भी कर सकते हैं, इधर भी, लेकिन बीच वाली में अगर हमने M1 कनेक्ट किया तो वो दूसरी में भी आ जाएगा और पहली में भी आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमने M1 को यहां कनेक्ट कर दिया, अब हमें दूसरे मास को भी कनेक्ट करना है, तो दूसरे मास को देखिए ना तो हम यहां कनेक्ट कर सकते क्योंकि यहां करेंगे तो वो पहले और दूसरे में आ जाएगा, और यहां करेंगे तो दूसरे और तीसरे में आ जाएगा। हम ऊपर कर सकते हैं क्योंकि वो दूसरे में ही रहेगा, हम नीचे भी कर सकते हैं क्योंकि वो दूसरे में ही रहेगा। तो मान लेते हैं कि हम M2 को यहां कनेक्ट कर देते हैं। M3 की अगर हम बात करें तो M3 अगर हम बीच में कनेक्ट करेंगे तो दूसरे और तीसरे लूप में हो जाएगा। तो हमें M3 को कहां करना है, इधर कहीं भी कर सकते हैं, इधर कहीं भी कर सकते हैं, इधर कहीं भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने M3 को यहां कर दिया, कहीं भी, जहां जहां हम बोल रहे हैं उधर कहीं भी कर सकते हैं। तीन ऑप्शन है हमारे पास, हमने एक जगह कर दिया, आप इधर इधर कहीं भी कर सकते हो। पहला काम हो गया, मतलब आपको मैकेनिकल इक्विवेलेंट बनाने की हम डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं। आपको क्या करना है, जितने मास हैं उतने लूप बना लीजिए, हर मास में सेपरेट सेपरेट, हर लूप में सेपरेट सेपरेट एक एक मास कनेक्ट कर दीजिए। दूसरी चीज, पहला स्टेप क्या था, नंबर ऑफ मासेस के इक्वल नंबर ऑफ लूप बना लो। दूसरा स्टेप क्या है कि हर लूप में एक मास कनेक्ट करो लेकिन वो दूसरे से कनेक्ट ना हो, और कनेक्शन की प्रोसेस हम कैसे पता करते हैं, अलोंग दी लूप मूव कीजिए, अगर वो एलिमेंट से हम पास हो रहे हैं दैट मींस दैट एलिमेंट इज कनेक्टेड टू द टू दैट पर्टिकुलर लूप। अब क्या करना है, अब आप ये देखो कि किसी मास से कौन कौन से एलिमेंट जुड़े हैं, जो एलिमेंट जिस मास से जुड़ा है उस एलिमेंट को उस लूप में ही लगाना है, ध्यान रखना। सबसे पहले हम देखते हैं M1 से क्या क्या जुड़ा है, सिर्फ M1 से। देखिए K2 तो M2 और M1 दोनों से जुड़ा है, KD3 M1 और M3 से जुड़ा है, सिर्फ M1 से अगर आप देखो तो KD1 और K1 है क्योंकि यहां कोई मास नहीं है, ये तो एक सपोर्टिंग सपोर्टिंग कुछ वॉल समझ लीजिए और उसके लिए हमें कोई लूप नहीं बनाना है। तो आप देखोगे KD1 और K1 सिर्फ पहले मास से कनेक्टेड है। तो ध्यान रखना जब कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर मास से कनेक्ट होता है तो उस एलिमेंट को हमें सिर्फ और सिर्फ उस लूप में लगाना है, मतलब KD1 सिर्फ पहले लूप में आएगा और K1 सिर्फ पहले लूप में आएगा, दूसरे या तीसरे में नहीं। तो देखिए KD1 को यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, यहां, लेकिन बीच में नहीं लगा सकते क्योंकि बीच में लगाएंगे तो दोनों में हो जाएगा।
तो इसका मतलब है हम KD1 को यहां लगा देते हैं, KD1। K1 भी हमारा सिर्फ और सिर्फ M मास 1 से कनेक्ट है, मतलब K1 को भी हमें लूप फर्स्ट में ही कहीं भी लगाना है। तो K1 को भी हम कहां लगा देते हैं, K1 को यहां 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 कहीं भी लगा सकते हैं, तो K1 को हम यहां लगा देते हैं। अब ये पहला लूप का हमारा पूरा पार्ट हो गया कंप्लीट, क्योंकि अब सिर्फ पहले वाले लूप से कुछ भी कनेक्ट नहीं है, सिर्फ पहले वाले लूप से, मतलब सिर्फ पहले वाले मास से कुछ भी कनेक्ट नहीं है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों को यहां पे पैरेलल क्यों नहीं लगाया। अगर आप पैरेलल में लगाते के को, तो एक नया लूप जनरेट हो जाता, दैट विल इंडिकेट दैट नंबर ऑफ मासेस विल बी इक्वल टू 4, क्योंकि एक और लूप आ गया, तो नंबर ऑफ लूप्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मासेस इन दिस फोर्स वोल्टेज एनालॉग। ठीक, इसका मतलब पैरेलल नहीं लगा सकते, आपको ऐसी जगह लगाना है जिससे कि जब हम उस लूप के अलोंग मूव करें तो वो एलिमेंट से हम एक बार क्रॉस हों। अगर ऊपर लगाते तो इस लूप में जब हम मूव करते तो उससे क्रॉस होते ही नहीं, और अगर उसको नीचे लगा देते तो जब इस लूप में मूव करते तो सिर्फ इससे क्रॉस होते, फिर KD1 से नहीं होते। तो इसी तरीके से लगाना है। अब देखिए सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है यहां कि KD3 किस किस से कनेक्ट है, M1 और M3, मतलब आपको ये एलिमेंट ऐसी जगह लगाना है कि वो लूप 1 में भी आ जाए और लूप 3 में भी आ जाए। तो कुछ लोग तुरंत ही अति उत्साह में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं इसको, और अगर आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो आप देखिए एक और नया लूप बन गया, दैट इज रॉन्ग, ऐसे नहीं कर सकते। आपको ध्यान देना है कि जब भी दो मास के बीच में कोई एलिमेंट लगा है, दैट मीन्स कि दो लूप ऐसे आ रहे होंगे जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन ब्रांच होगी। पहले और तीसरे मास के बीच में एक एलिमेंट लगा है, मतलब कम से कम एक कॉमन ब्रांच होना चाहिए पहले और तीसरे के बीच में, जबकि यहां तो देखो पहले और दूसरे में ये कॉमन है, दूसरे और तीसरे लूप में ये ब्रांच कॉमन है। पहले और तीसरे लूप के बीच में कोई भी ब्रांच कॉमन नहीं है, तो एक तरीका है कि आप इस लूप को मिटाइए और दूसरे वाले लूप को कर दीजिए छोटा, और पहले लूप को इधर को एक्सपेंड कर दीजिए, तीसरे को इधर। तो अब आप देखो पहले और तीसरे लूप के बीच में एक ब्रांच आ गई। यहां अगर कोई एलिमेंट लगाओगे तो वो ऐसे प्रतीत होगा जैसे कि वो एलिमेंट M1 और M3 के बीच में कनेक्ट था, किसमें, मैकेनिकल डायग्राम में। अब बिल्कुल आसान है, आपको पता है KD3 किस किस के बीच में कनेक्ट है, M1 और M3। दैट मीन्स KD3 कहां लगेगा, यहां पे लगेगा इस कॉमन ब्रांच में। जो ब्रांच पहले और तीसरे लूप के बीच में है, अब आप देखो अलोंग फर्स्ट लूप मूव करोगे तो KD3 मिलेगा, अलोंग थर्ड लूप मूव करोगे तो आपको तब भी KD3 मिलेगा, दोनों में मिल रहा है। हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा K2। K2 किस किस के बीच में लगा है, M1 और M2 के बीच में लगा है। दैट मीन्स कि पहले और दूसरे लूप के बीच में कौन सी ब्रांच कॉमन है, तो देखो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो इधर भी लगा सकते हो, इधर भी, लेकिन इधर और इधर नहीं लगा सकते। तो कहीं भी हमने लगा दिया K2, ये लग गया K2। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, पांच हो गए। अब हम M2 भी हो चुका है, M2 भी लग चुका। अब हम बात करते हैं KD2 की, KD2 किस किस के बीच में है। M2 और M3 मतलब सेकंड और थर्ड लूप के बीच में जो ब्रांच कॉमन होगी उस पे कनेक्ट करना, सेकंड और थर्ड के बीच में ये भी ब्रांच कॉमन है, ये भी ब्रांच कॉमन है, तो कहीं भी यहां लगा सकते हैं क्या, KD2। तो KD2 हमने यहां पे लगा दिया, इसकी डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है डैम्पिंग की। इसके अलावा कुछ और कनेक्टेड है, सिर्फ M3 से फोर्स कनेक्टेड है, FT मतलब तीसरे लूप से, सिर्फ तीसरे लूप से एक फोर्स लगाना है, दैट इज FT एक्सटर्नल फोर्स। अब सारे एलिमेंट हो गए कंप्लीट आपके। कुछ लोग बोलेंगे X1 X2 X3 तो बचे हैं, तो ध्यान रखना ये जो इक्विवेलेंट बनाना है हमें, मैकेनिकल इक्विवेलेंट, ये सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस के लिए है, डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं, तो X1 X2 के लिए नहीं बनाना है। हमने क्या सीख लिया, डायरेक्ट ट्रिक सीख ली हमने कि कोई भी मैकेनिकल डायग्राम होगा तो उसका हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट बना देंगे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट डायरेक्ट बना देंगे यूजिंग फोर्स वोल्टेज एनालॉगी। अभी हम फोर्स करंट एनालॉगी की तो बात ही नहीं कर रहे।
अब बात यह आती है कि जब हमने ये बना ही लिया है तो अब इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट भी बना लो। तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाना बिल्कुल आसान होता है। कैसे आसान होता है, आपको पता है कि मास इज इक्विवेलेंट टू इंडक्टर, तो मास की जगह आप क्या लगा दीजिए, इंडक्टर लगा दीजिए, M1 की जगह लिख दीजिए L1। डैम्पर इज इक्विवेलेंट टू रजिस्टर, तो डैम्पर की जगह क्या लगा दीजिए, रजिस्टर लगा दीजिए। KD1 है तो R1 लिख दीजिए, फिर डैम्पर है तो यहां R3 लिख दीजिए। K2 स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटेंस, कैपेसिटर मतलब यहां लगाना कैपेसिटर है, K2 है तो इसकी वैल्यू C2। कुछ लोग बोलेंगे 1/C2 क्यों नहीं लिखा, तो भैया इन स्प्रिंग की जगह कैपेसिटर लगाना है, उसकी वैल्यू सी है। जब इक्वेशन लिखोगे ना आप तो उसमें के की जगह 1/C लिखेंगे। इक्विवेलेंट का मतलब है कि इस अब बना कैपेसिटर होता है, 1/C क्या होता है, 1/C कोई एलिमेंट थोड़ी होता है, 1/C तो वैल्यू होती है, तो जब इक्वेशन लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 1/C लिखेंगे के की जगह। लेकिन ध्यान रखना एलिमेंट हम के की जगह क्या लिखेंगे, कैपेसिटर। यहां डैम्पर की जगह हम फिर से एलिमेंट क्या लिखेंगे, रजिस्टर, दैट इज इक्वल टू R2। और मास M2, मास किसका है, इंडक्टर का इक्विवेलेंट, तो यहां लिखेंगे L2। इसके बाद फिर मास तो हम लिखेंगे L3। और इसके बाद फोर्स की जगह, फोर्स की जगह क्या आएगा हमारा, वोल्टेज आएगा, और वोल्टेज की प्लस माइनस पोलैरिटी, हालांकि एसी सिंबल है लेकिन केवीएल लगाओगे तो किसी को तो नेगेटिव किसी को तो पॉजिटिव मानोगे। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। अब देखिए हमने दो चीजें समझ ली कि किसी मैकेनिकल डायग्राम का मैकेनिकल इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकालना सीख लिया ट्रिक से सीधा, और उस मैकेनिकल इक्विवेलेंट की सहायता से हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है मैकेनिकल इक्वेशंस निकालना जो कि फ्री बॉडी डायग्राम से निकलती थी। तो अभी हमने मैकेनिकल इक्वेशन नहीं निकाल पाए फ्री बॉडी डायग्राम के लिए, तो हमें तीन बनाना पड़ता है, एक M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, M2 के लिए, M3 के लिए, तीनों की इक्वेशन निकाल दे, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे उतना आसानी से। कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे कर लेंगे, लेकिन हमारे लिए तो यही प्रोसेस है, फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट एनालॉजी, अभी हम पढ़ रहे हैं फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। तो हमने मैकेनिकल इक्विवेलेंट बनाया, उसकी सहायता से जब फोर्स वोल्टेज एनालॉगी की ट्रिक देखी कि कौन सा किसके इक्विवेलेंट है, तो इसकी सहायता से बाया दिस हमने इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट भी बना लिया। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट हो गया इस सर्किट का, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट हो गया इस सर्किट का, अब हमें देखना है इक्वेशंस। अब हमारे पास मैकेनिकल इक्विवेलेंट आ चुका है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट आ चुका है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालना है इलेक्ट्रिकल इक्वेशन, और इलेक्ट्रिकल इक्वेशन की सहायता से निकालना है मैकेनिकल इक्वेशन। तो ध्यान ये रखना है कि आप वोल्टेज पे आपने जो पोलैरिटी लगाई है उस पोलैरिटी के अकॉर्डिंग आपको हर एक लूप में करंट की डायरेक्शन बना देना है। कैसे, आपने यहां पे प्लस लगाया है तो आपको करंट जो है वो प्लस से निकलती हुई बनाना है। ये हो गई आपकी I3 क्योंकि तीसरा लूप है, ये हो गई आपकी I2 क्योंकि दूसरा लूप है, और ये हो गई आपकी I1। तो इस तरीके से आपको तीनों करंट बना लेना है। ध्यान रखना है करंट में विशेष ध्यान ये रखना है डायरेक्शन का, इस ब्रांच में तो विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यहां पे सोर्स लगा हुआ है, बाकी जो लूप है उनमें कोई सोर्स नहीं है। तो अगर आप डायरेक्शन चेंज भी कर दोगे तो पूरी इक्वेशन में एक माइनस आएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो होगा, माइनस कॉमन ले लोगे फिर से वही इक्वेशन मिल जाएगी, लेकिन यहां नहीं हो पाएगा। इसमें अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो जो वोल्टेज है उसके अक्रॉस जो वोल्ट जो आप VT है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि जो जिस लूप में वोल्टेज सोर्स लगा है उसकी करंट की डायरेक्शन हमेशा आप ऐसी बनाइए कि प्लस टर्मिनल से निकलती हुई दिखाई दे, अगर प्लस नीचे हो तो करंट को नीचे की तरफ ले जाइए, ऊपर है तो ऊपर की तरफ, बाकी दो को अगर आप रिवर्स भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश करो सेम, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो सेम, जिससे कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, इनको पलट भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं कैसे हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ध्यान रखना यहां सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये रहता है, क्योंकि केवीएल तो आप सभी ने पढ़े हुए हैं, कॉमन ब्रांच में जो करंट होती है वो कैसे दिखते हैं,
अगर हम इस लूप में केवीएल लगाएंगे तो हम नीचे किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाली करंट को हम पॉजिटिव मानेंगे, लेकिन यहां पे जब आएंगे तो ऊपर की तरफ तो जा रही आई वन लेकिन नीचे की तरफ आ रही आई टू, मतलब जब इस लूप में केवीएल लगाएंगे तो हम करंट लिखेंगे आई वन माइनस आई टू इसके लिए। लेकिन जब इस लूप में हम केवीएल लगाएंगे तो हम घूमेंगे किस डायरेक्शन में, इस आई टू की डायरेक्शन में। तो हम ऊपर से आने वाली करंट को पॉजिटिव मानेंगे और आई वन जा रही नीचे से ऊपर उसको नेगेटिव, तब हम इसमें करंट लिखेंगे आई टू माइनस आई वन। कोई बोलेगा एक ही ब्रांच में दो अलग अलग डायरेक्शन में करंट कैसे हो सकती है, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं बोला हमने, आप अच्छे से देखो। जब हम नीचे से ऊपर जाने वाली करंट ले रहे हैं तो हम ले रहे हैं आई वन माइनस आई टू, जब ऊपर से नीचे आने वाली ले रहे हैं तो आई टू माइनस आई वन, सिंपल सी बात तो है। ऊपर से आएगी तो पॉजिटिव ये होगी, नेगेटिव ये, नीचे से होगी तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये कॉमन ब्रांच में ये चीज ध्यान रखना है। इस लूप में केवीएल लगाते हैं तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले यही मिला हमें, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा 1/C2 और इंटीग्रेशन ऑफ इसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वो क्या है, आई वन माइनस आई टू। तो आप लिखोगे आई वन माइनस आई टू डी टी प्लस, जैसे ही हम इस ब्रांच में पहुंचेंगे तो आई वन ऊपर की तरफ क्योंकि इसके अलॉन्ग चल रहे हैं, हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आई थ्री नीचे की तरफ है, तो हम बोलेंगे कि वोल्टेज क्या होता है किसी रजिस्टर का, आई इंटू आर। तो रजिस्टर का वोल्टेज लिखना है आर को हम पहले लिखे दे रहे हैं, करंट क्या हो जाएगी हमारी आई वन माइनस आई थ्री, आई वन माइनस आई थ्री प्लस। जैसे ही हम इस रजिस्टर में आए तो इस रजिस्टर में आप सिर्फ और सिर्फ आई वन करंट फ्लो होगी, तो आप लिखोगे आर वन इंटू आई वन और प्लस, जैसे ही हम इस इंडक्टर में आए तो इसमें भी एक ही करंट फ्लो होगी एल वन डी आई वन बाई डी टी। तो एल वन डी आई वन बाई डी टी दैट इज इक्वल टू जीरो, एक इलेक्ट्रिकल इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। इलेक्ट्रिकल इक्वेशन जैसे हमने इस लूप की निकाली वैसे ही इसकी और वैसे ही इसकी, तीनों लूप की एक ही तरीके से निकालना है केवीएल लगा के। लेकिन देखो अब आपके तीन क्वेश्चन के आंसर मिल गए, एक मैकेनिकल डायग्राम था उसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट निकाल लिया, उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट निकाल लिया, और उससे इलेक्ट्रिकल इक्वेशन हमने अभी एक ही लूप की बताई है, दूसरे और तीसरे की भी हम सिमिलरली केवीएल लगा के निकाल सकते हैं। आपसे अगर ये इलेक्ट्रिकल इक्वेशन भी आ गई, अब आपसे पूछा जाए मैकेनिकल इक्वेशन निकालिए, जो हमारा मेन मोटिव है, मेन एम है, एम क्या है मैकेनिकल इक्वेशन निकालना, जो कि मैकेनिकल के स्टूडेंट फ्री बॉडी डायग्राम से निकालते हैं, हमें वहां तक पहुंचना है। तो अब कुछ नहीं करना है, करंट की जगह डी क्यू बाई डी टी कर दीजिए। देखिए ये चीज एक हम लिखना भूल गए थे, अभी लिखी है हमने, क्यू इज इक्वेलेंट टू एक्स, जो हमने दो इक्वेशन लिखी थी उन दोनों इक्वेशन में देखिएगा आपके ये सारे तो इक्वेलेंट हमने लिख दिए थे, ये अब भी लिख दिया है हमने थोड़े टाइम पहले जब मिटाया था आपका फ्लिप हुआ था, क्यू इज इक्वेलेंट टू एक्स होगा, क्योंकि जहां वो जो दो इक्वेशन स्टार्टिंग में बताई थी जिनको हमसे जिनसे हमने एनालॉगी निकाले थे वहां क्यू की जगह एक्स था या एक्स की जगह क्यू था। तो अब यहां करंट की जगह जब हम डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे तो देखिए इक्वेशन हो जाएगी 1/C2, करंट की जगह हम लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आएगा Q1 माइनस Q2, आई की जगह dQ1 by dt लिखेंगे आई वन की जगह, तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, प्लस आर थ्री आई की जगह डी बाई डी टी, तो यहां लिखेंगे डी बाई डी टी और ब्रैकेट में आ जाएगा Q1 माइनस Q3, दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, आर वन इंटू डी क्यू वन बाई डी टी प्लस एल वन, एक डिफरेंशिएशन है एक और हो जाएगा, तो डी स्क्वायर क्यू वन बाई डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए पहली इक्वेशन तो हो गई इलेक्ट्रिकल इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्यों निकाली, दूसरी इक्वेशन निकाली है कि इसकी सहायता से हम मैकेनिकल इक्वेशन निकालेंगे, कैसे, बाकी सबके तो एनालॉगी हमें दिख रहे थे, बस आई का एनालॉगी नहीं दिख रहा था तो आई को क्यू में बदल लिया और क्यू का एनालॉगी है एक्स। तो अब हम लिख सकते हैं 1/C की जगह हम के लिखेंगे, तो के टू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस, आर की जगह हम लिखेंगे के डी, तो के डी थ्री डी अपॉन डी टी एक्स वन माइनस एक्स थ्री प्लस R1 की जगह KD1 DX1 by DT, Q की जगह X लिखना है, प्लस L इंडक्टर की जगह मास, तो M1 D square X1 upon DT square is equal to 0। ये वो इक्वेशन निकली है जो अगर मैकेनिकल वाले स्टूडेंट पहले मास पे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते और उससे इक्विवेलेंट फोर्स निकालते तो ये इक्वेशन निकलती मैकेनिकल। तो मेन एम हमारा ये है यहां तक पहुंचना, तो हमने क्या किया, मैकेनिकल डायग्राम से मैकेनिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया, उससे इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया, फिर इलेक्ट्रिकल इक्वेशन बनाई और फिर मैकेनिकल इक्वेशन बना दी, ये पहले लूप की हुई।
तीनों निकालना है ऐसे, क्योंकि तीनों मास का थ्री बॉडी डायग्राम होगा। तो अब हम दूसरे लूप की बात करते हैं, जिससे कि आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आ जाएगा। दूसरे लूप में हम बढ़ेंगे किस डायरेक्शन में, आई टू की डायरेक्शन में। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आई टू करेंट आई थ्री आ रही नीचे, तो इसमें जो करेंट होगी वो होगी आई टू माइनस आई थ्री। तो आप लिखोगे आर टू इंटू आई टू माइनस आई थ्री प्लस, यहां कोई एलिमेंट नहीं लगा, नीचे आएंगे तो नीचे की तरफ आना है आई टू की डायरेक्शन में, तो इसमें करंट होगी आई टू माइनस आई वन, और कैपेसिटर है सी टू, तो इसका वोल्टेज हो जाएगा वन अपॉन सी टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आई टू माइनस आई वन इंटू डी टी प्लस। जब हम एल टू में पहुंचेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आई टू करेंट फ्लो हो रही है, तो एल टू डी आई टू अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू जीरो। ये इलेक्ट्रिकल इक्वेशन हो गई सेकेंड लूप की, फर्स्ट लूप की हमने बता दी थी, ये सेकेंड लूप की हो गई। अब इसी में आई की जगह डी क्यू बाई डी टी अगर हम रख देंगे तो आर टू इज इक्वल आर टू यहां पे हो जाएगा डी बाई डी टी क्यू टू माइनस क्यू थ्री प्लस वन अपॉन सी टू, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा तो क्यू टू माइनस क्यू वन प्लस एल टू इंटू डी स्क्वायर क्यू टू अपॉन डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। अब आपको ये इक्विवेलेंट वाली चीजें सारी लिखी दिख रही हैं, तो आपको क्या करना है कि रजिस्टर की जगह डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग कांस्टेंट तो के डी टू, डी बाई डी टी चार्ज की जगह एक्स तो एक्स टू माइनस एक्स थ्री प्लस वन अपॉन सी की जगह के, यहां लिखना है वन अपॉन सी की जगह के, इधर सर्किट में नहीं लिखना होता है, तो ये हो जाएगा के टू इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस इंडक्टर की जगह मास तो एम टू डी स्क्वायर एक्स टू अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये हो गई सेकेंड मैकेनिकल इक्वेशन, मतलब जब हम सेकेंड मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो फोर्सेस की ये इक्वेशन होती। देखिए वोल्टेज की इक्वेशन से हमने फोर्सेस की इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। तो ये हो गया सेकेंड लूप। तीसरे लूप की हम बात करेंगे, तीसरे लूप, इस लूप में जब हम केवीएल लगाएंगे, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव से ही करंट निकलनी चाहिए क्योंकि सिंगल सोर्स है, मल्टीपल सोर्स होते तो आप डायरेक्शन कुछ भी मान सकते थे क्योंकि किसकी वैल्यू बड़ी है उस पर डिपेंड करता है, सिंगल सोर्स है तो पॉजिटिव से ही निकलेगा। अगर आप कोई बोले प्लस कहां लगाना है तो प्लस अपने मन से कहीं भी लगा सकते हो, अगर आप नीचे लगाओगे तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, ऊपर लगाओगे तो ऐसी, पूरी इक्वेशन में एक माइनस आएगा, कॉमन लेके जीरो में मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम आंसर आएगा। केवीएल लगाते हैं तो सबसे पहले आएगा माइनस वी टी, नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं, फिर आएगा प्लस L3 इंटू इसमें सिर्फ I3 थ्री करेंट फ्लो होगी तो डी आई थ्री अपॉन डी टी प्लस। जब इसमें आएंगे तो इसमें अब हम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो I3 थ्री पॉजिटिव मानी जाएगी, I1 नेगेटिव, तो आप बोलोगे R3 थ्री इंटू आई थ्री माइनस आई वन, आई इंटू आर होता है ना रजिस्टर का वोल्टेज। फिर इस ब्रांच में कोई एलिमेंट नहीं, इसमें फिर है I2 लेकिन I3 नीचे की तरफ है और I2 ऊपर की तरफ, तो आप लिखोगे I3 थ्री माइनस आई टू, तो प्लस R2 टू इंटू आई थ्री माइनस आई टू इज इक्वल टू जीरो। अब आपको क्या करना है, यहीं पे VT को एक तरफ ले जाइए तो VT इज इक्वल टू हो जाएगा L3 थ्री डी आई थ्री, या हम यहीं लिख देते हैं जिससे ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, ये इक्वल हटाया, ये हटाया, ये हटाया, यहां इक्वल कर दिया, तो ये बन गई इलेक्ट्रिकल इक्वेशन ऑफ थर्ड लूप। अब आपको मैकेनिकल में कन्वर्ट करना है तो पहले चार्ज के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो VT इज इक्वल टू हो जाएगा L3, इसकी जगह DQ by DT लिखोगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा D square Q3 upon DT square plus R3 into D by DT Q3 minus Q1 plus R2 into D by DT Q3 minus Q2। अब आपको फोर्स वोल्टेज एनालॉगी के इस बॉक्स की सहायता लेना है, वोल्टेज किसका एनालॉगी है फोर्स का, तो ये आ जाएगा एफ टी इज इक्वल टू, इंडक्टर किसका है मास का तो आ जाएगा एम थ्री डी क्यू, क्यू किसका है एक्स का तो आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, रजिस्टर किसका है डैम्पिंग कॉन्स्टेंट का तो आएगा के डी थ्री डी बाई डी टी और x3 माइनस x1 और प्लस यहां पे आ जाएगा kd2 dy/dt और x3 माइनस x2। तो ये इक्वेशन फाइनली मिल गई हमें तीसरी मैकेनिकल इक्वेशन। तो ध्यान रखना फोर्स वोल्टेज एनालॉगी में आपसे चार चीजें पूछी जा सकती हैं, पहला है मैकेनिकल इक्विवेलेंट जो कि हमने डायरेक्ट ट्रिक बताई है, आप सीधा सीधा निकाल सकते हो मैकेनिकल इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ
मासेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैसेज या नंबर ऑफ लूप, ऐसे नंबर ऑफ लूप जिसके अंदर दूसरा कोई लूप ना हो। और हर मास में कौन से हर लूप में कौन से एलिमेंट कनेक्ट करना है उसकी हमने बहुत अच्छे से ट्रिक बता दी। और फिर जो फोर्स वोल्टेज एनालॉगी का ये बॉक्स है इसे याद रखना है, सिंपल है। वैसे रजिस्टर जो है वो करंट को रजिस्ट करता है, रोकता है। डैम्पर क्या कर रहा था, हमें अपोज कर रहा था एयर से, हवा से, तो ये भी रजिस्ट करता है, ये भी रजिस्ट, तो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। कैपेसिटर का इक्विवेलेंट क्या है आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट। कैपेसिटर का इक्विवेलेंट के है, तो कैपेसिटर से के याद रख सकते हो, कैपेसिटर का इक्विवेलेंट के, बस बाना कौन सी याद रखना, इनवर्स है। एल का एम मास का इंडक्टर, फोर्स का वोल्टेज, तो नाम ही है फोर्स वोल्टेज एनालॉगी। तो ये चीज अगर कभी समझ में भी ना आए तो वो जो इक्वेशन है आरएलसी सर्किट की बहुत आसानी से निकल आती है। और फोर्स वोल्टेज सभी के फोर्स आपको पता होते हैं, मास का फोर्स एम इंटू ए, इंडक्टर का के एक्स, सॉरी स्प्रिंग का के एक्स, डैम्पर का के डी इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो तीनों फोर्स जोड़ देना और इधर तीनों वोल्टेज जोड़ देना, कंपेयर कर लेना, बहुत आसानी से ये बॉक्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से अब हमने चार चीजें सीख ली, मैकेनिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिकल इक्वेशंस, मैकेनिकल इक्वेशंस, चार में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यूजिंग फोर्स वोल्टेज एनालॉगी होगा तभी ये चार चीजें वैलिड होगी, क्योंकि किसी भी चीज में बिना फोर्स वोल्टेज एनालॉगी के सॉल्व नहीं हुआ। ये भी आया है तो जो वो कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ मास जो होते हैं वो नंबर ऑफ मास के बराबर होते हैं, वो तभी होते हैं जब फोर्स वोल्टेज एनालॉगी हो। फोर्स करंट एनालॉगी अगर होगा तो फिर लूप नहीं देखेंगे, फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ नोड्स, तो वो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहां पे हमारा ये जो हमने देखा था फोर्स वोल्टेज एनालॉगी में मॉडल देखा, जो वो मॉडलिंग हमने यहाँ पढ़ ली है फोर्स वोल्टेज एनालॉगी में। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे फोर्स करंट एनालॉगी का। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोज नॉलेजेबल है तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इनसे फायदा उठा सके। और आपको लगता है कि हमारे वीडियोज आपके काम आ सकते हैं तो हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ध्यान रखना, एक हमने नया चैनल क्रिएट किया है गेट क्रैकर सपोर्ट नाम से, उसकी हम लास्ट में एक फोटो भी लगा देंगे इसी वीडियो में, तो उस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका मोटिव है कि आपको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड कराना, जैसे कि हम उस पर लाइव आते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, हर संडे को लाइव आते हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे आप हमसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, हर संडे को इवनिंग में हम लाइव रहेंगे। साथ ही साथ उसमें कुछ हम मोटिवेशनल और गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के वीडियो भी डालते रहते हैं, तो उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और कभी भी इस चैनल पे किसी कभी भी रैंडम वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। तो ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच।